तो भाई लोग 2023 ओडिशा के लिए बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आप सभी को आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक अपडेट दे देता हूँ कि भाई लोग एक अपडेट ये आ रहा है कि माल्य गिर का टीजर जवान के साथ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए OTT में कोई भी ओडिया फिल्म आज तक जो है रिलीज नहीं हुआ था, ना कि हिंदी शब्द में, लेकिन उस चीज़ को एक और फिल्म लेकर आ रहे जो है टी। आप सभी लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले एक टी नाम का एक टीजर आया था, सब ओडिया नहीं हिंदी में भी आया था, जो कि नाम है ट्रांसजेंडर के ऊपर बनाया गया था वो फिल्म, और वो कुछ खास नहीं चला था, लेकिन उसको कोई सपोर्ट भी नहीं किया था, ना कोई रिव्यू किया था। भाई मैंने उसका रिव्यू किया था, लेकिन कुछ खास जो है सपोर्ट नहीं मिला उस फिल्म को। लेकिन भाई दमन से पहले ये चीज़ जो है OTT में आ रहा है, सिर्फ ओडिया में नहीं पूरी हिंदी लैंग्वेज में भी आ रहा है, और हो सकता है इसको जो है और भी लैंग्वेज में डबिंग करके रिलीज़ किया जाएगा। देखिए मुझे थोड़ा जुकाम हो चुका है और थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आ रहा होगा, और इसीलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और जल्द से बस मैं ठीक हो जाऊँ और फिर आप लोग के लिए अच्छे अच्छे अपडेट लेके वीडियो लेके आऊँ। मेरे पास बहुत अच्छे अपडेट हैं, बट मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत इतना तेज़ ख़राब हो गया है। चल छोड़िए भाई लोग, तो लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, ओडिशा लोगों के लिए 2023 बहुत ही गोल्डन चांस साबित होने वाला है, जो कि ओडिया इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा। टी फिल्म OTT में रिलीज़ हो रहा है, यह बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये अब आगे भी बहुत सारे ऐसे फिल्म आने वाला है, दमन, प्रतीक्षा ओटीटी में अब तक नहीं आ गया, क्योंकि उसका हिंदी रीमेक होने वाला है। अनुपम खेर जो है